सिरेमिक कोटेड सरफेस और अनकोटेड सरफेस में क्या डिफरेंस आया है। दोस्तों इससे पहले मैंने वेबएक्स हाइड्रोमैक्स क्विक सिरेमिक स्प्रे कोटिंग का वीडियो बनाया था, वो वाला वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। आज हमारे पास है साइनेक्स प्रो ब्रांड का सिरेमिक गार्ड इंस्टेंट डीआईवाई सिरेमिक स्प्रे कोटिंग, जिसको यूज करना किसी भी ट्रेडिशनल सिरेमिक कोटिंग के मुकाबले काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि ट्रेडिशनल सिरेमिक कोटिंग करने से पहले सरफेस को प्रिपेयर करने के लिए जितने भी प्रोफेशनल स्टेप्स को फॉलो किया जाता है वो इसमें कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं लेकिन ऑप्शनली। वहीं पर कंपनी क्लेम कर रहा है इसमें बेनिफिट और प्रोटेक्शन आपको ट्रेडिशनल सिरेमिक कोटिंग जैसा ही मिलेगा, चाहे हाई ग्लॉस फिनिश, स्लिकनेस, यूवी प्रोटेक्शंस या फिर सुपर हाइड्रोफोबिसिटी हो। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे साइनेक्स प्रो सिरेमिक गार्ड सिरेमिक स्प्रे कोटिंग को किस तरीके से यूज करना है और यूज करने के बाद क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, साथ साथ इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे। तो कृपया वीडियो के साथ बने रहे और साइनेक्स प्रो सिरेमिक गार्ड स्प्रे सिरेमिक कोटिंग का परचेस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने डाल दिया है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वहां से खरीद सकते हैं। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो बनाए हुआ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बॉक्स के अंदर में यहाँ पर ये एक और ये दो, टोटल दो माइक्रोफाइबर टॉवल मिल रहा है और टॉवल का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, हालांकि यहाँ पर जीएसएम वगैरह तो कुछ मेंशन नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर साइनेक्स प्रो की तरफ से कुछ थैंक्स वाला कार्ड है और साथ साथ ये रहा सिरेमिक गार्ड का बॉटल एक स्प्रे नोजल के साथ। साइनेक्स प्रो सिरेमिक गार्ड सिरेमिक स्प्रे कोटिंग का ये एक 250 ml का बॉटल है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ₹999, मतलब माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ जो टोटल किट आ रहा है उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और इस बॉटल के सील को ओपन करने के बाद से बेस्ट बिफोर है 5 years तक। और ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों ये मैन्युफैक्चर हुआ है यूरोप में, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है मेड इन यूरोप, और बॉटल के यहाँ पर प्रोडक्ट के मतलब सिरेमिक गार्ड के डायरेक्शंस फॉर यूज़ वगैरह लिखा है, इसका जरूरत नहीं है। वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इस सिरेमिक स्प्रे कोटिंग को कैसे यूज़ करना है आपको दिखाएंगे। साइनेक्स प्रो सिरेमिक गार्ड सिरेमिक स्प्रे कोटिंग को यूज़ करने से पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ट्रेडिशनल सिरेमिक कोटिंग में जितने भी प्रोफेशनल स्टेप्स को फॉलो किया जाता है सरफेस को प्रिपेयर करने के लिए वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। यहाँ पर पहला स्टेप जो होगा शैम्पू वॉश, जो कि एक डीकॉन्टेमिनेशन प्रोसेस है, लेकिन दोस्तों शैम्पू वॉश करके कार के पेंट से आप कॉन्टेमिनेशन वगैरह को पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा क्ले बार का यूज़ करके क्ले कर लीजिए कार के पेंट सरफेस को, मतलब पेंटेड सरफेस को, तो उसमें कॉन्टेमिनेशन जो है बेटर रिमूव होगा और उसमें यूज़ करने के बाद रिजल्ट भी आपको बेटर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर कार के बोनेट को देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा है, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं पहला स्टेप की ओर जो कि है शैम्पू वॉश। अभी नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों शैम्पू वॉश करके रिंस करने के बाद कार के बोनेट के ऊपर में जितने भी पानी वगैरह लगा है उसको हम ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ड्राई करने के लिए यूज़ करेंगे साइनेक्स प्रो 1100 जीएसएम कार माइक्रोफाइबर ड्राइंग टॉवल का, जिसकी मदद से एकदम आसानी से आप ड्राई कर सकते हैं। तो इसका वीडियो भी आई बटन पर डाल दूंगा, बहुत सब चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों अभी थर्ड स्टेप है क्ले, जिसमें हम क्ले बार का यूज़ करके कार के पेंट में जितने भी कॉन्टेमिनेशन वगैरह रह गया है शैम्पू वॉश करने के बावजूद भी उसको डीकॉन्टेमिनेट करेंगे, क्योंकि क्ले एक डीकॉन्टेमिनेशन प्रोसेस है। तो क्ले बार को कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर में डिटेल्ड वीडियो चैनल में पहले से है, वो वाला वीडियो भी आई बटन पर डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों क्ले बार को यहाँ पर बोनेट के बीच में थोड़ा पोर्शन में ही हम करेंगे, क्योंकि बोनेट के थोड़ा पोर्शन में हम सिरेमिक स्प्रे कोटिंग को यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्ले ल्यूब स्प्रे को स्प्रे कर देते हैं। आप चाहे तो शैम्पू पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्ले ल्यूब स्प्रे जो है उसमें रिजल्ट डेफिनेटली बेटर मिलेगा। तो अभी क्ले वार को इस तरीके से लेफ्ट टू राइट ऐसे रब करना है और उसके साथ साथ अप टू डाउन या फिर डाउन टू अप। तो अभी सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों क्ले बार के अंदर में डिकॉन्टेमिनेशन वगैरह दिख रहा है शायद आपको, ये वाला सारे जो है और भी छोटा छोटा है, जो कि कैमरा में अभी उतना नहीं दिख रहा है, तो चिपक गया इसके अंदर में। तो इसके बाद दोस्तों अभी माइक्रोफाइबर
क्लॉथ की मदद से इसको वाइप अप कर देंगे। सेरामिक स्प्रे कोटिंग को बिना क्ले किए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा हमेशा क्ले कर लीजिए। दोस्तों अभी फाइनल स्टेप है सेरामिक कोटिंग का, साइन एक्सप्रो सेरामिक गार्ड सेरामिक स्प्रे कोटिंग को कभी भी आपको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे या फिर कार के पेंट अगर बहुत ज़्यादा हिट है उस टाइम पर यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार के बोनेट के ऊपर में मैंने मास्किंग टेप लगा के एक स्क्वायर बना दिया है। अभी इसके अंदर में हम यूज़ करेंगे इस सेरामिक स्प्रे कोटिंग को। तो इसके साथ जो दो माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिला था इसके मदद से यूज़ करना है। तो यूज़ करने का तरीका एकदम सिंपल है, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से हम लगाएंगे मतलब स्प्रेड करेंगे, दूसरा ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से हम बफ करेंगे। तो इसको सबसे पहले फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। अभी फोल्ड करने के बाद आप चाहे तो इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर में थोड़ा मात्रा में स्प्रे कीजिए या फिर चाहे तो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर में स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद दोस्तों अभी इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ के मदद से इसको लेफ्ट टू राइट ऐसे और साथ ही साथ डाउन टू अप और अप टू डाउन ऐसे डायरेक्शन पर इसको स्प्रेड करना है। अभी इसके बाद दोस्तों दूसरा माइक्रोफाइबर टॉवल से इसको बस बफ कर देना है। सेम माइक्रोफाइबर क्लॉथ से कभी भी आपको बफ नहीं करना है, ये वाला चीज ध्यान पर रखना है, ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ होना चाहिए। दोस्तों सरफेस काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है। तो दोस्तों अभी सबसे पहले मास्किंग टेप जो है चारों साइड से हटा देते हैं। यहां पर मास्किंग टेप को चारों साइड से हटाने के साथ साथ यहां पर मैं डायरेक्ट आंखों से सामने से जो डिफरेंस देख पा रहा हूं, जिस सरफेस में मैंने सेरामिक कोटिंग को यूज किया यहां पर हाई ग्लॉस मिरर फिनिश आ चुका है अगर कंपेयर करें चारों साइड से, क्योंकि चारों साइड ही काफी डल लग रहा है सामने से देखने पर। हालांकि कैमरा मैं सामने से जो देख पा रहा हूँ उतना जज तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत जज तो हो ही रहा है। देख सकते हैं ये वाला सरफेस में एक डलनेस दिख रहा है आपको, या फिर ये वाला सरफेस पर ही देख सकते हैं, या फिर इस साइड में भी देख सकते हैं यहाँ पर, और ऊपर में अभी नहीं दिख रहा है। अभी ये वाला सरफेस पर जो हाई ग्लॉस फिनिश आया है इसके क्वालिटी दोस्तों एकदम जबरदस्त है, मतलब क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं है। तो किसी भी वैक्स पॉलिश या फिर पॉलिश को यूज़ करके जो हाई ग्लॉस आता है उसके साथ इसके हाई ग्लॉस में कोई मैच नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके का हाई ग्लॉस मुझे दिख रहा है। तो ये वाला चीज़ मैं चाहे कितना भी बता दूँ कैमरा में देख के आपको कभी भी पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद डायरेक्ट आंखों से इस चीज़ को नहीं देखेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर सरफेस एकदम सुपर स्लिक हो चुका है दोस्तों, मतलब एकदम स्लिपरी स्मूथनेस आ चुका है। तो ये वाला चीज़ मैं सिर्फ बता के नहीं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मास्किंग टेप है सबसे पहले इसको जिस साइड में मैंने सेरामिक कोटिंग को यूज़ नहीं किया यहाँ पर रख के आपको दिखाते हैं। देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या फिर अगर यहाँ पर भी रखते हैं देखिए यहाँ पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रखा देख लीजिए, या फिर जैसे ही यहाँ पर रखा देख लीजिए, पता चल रहा है इस चीज़ से आपको सरफेस कितना स्लिक हुआ है। दोस्तों हालांकि साइन एक्सप्रो सेरामिक गार्ड एक इंस्टेंट सेरामिक कोटिंग है जिसमें क्योरिंग टाइम नहीं लगता, तो इंस्टेंटली हाइड्रोफोबिसिटी कितना आया है वो अभी टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा पर्सनल सजेशन है इस सेरामिक कोटिंग के अगर प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी आपको चाहिए तो ट्रेडिशनल सेरामिक कोटिंग की तरह ही इसको भी आप 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए पेंट के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग होने के लिए। अभी इंस्टेंटली पानी को स्प्रे करके आपको दिखाते हैं हाइड्रोफोबिसिटी कितना आया है। देखिए देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी का हाइड्रोफोबिक लेयर यहाँ पर क्रिएट हुआ है दोस्तों, देख लीजिए पूरा वाटर बीडिंग फॉर्मूला है। अब डायरेक्ट पानी को स्प्रे करते हैं, देखिए देख लीजिए, तो यहां से ही आपको पता चल रहा है दोस्तों तो वापस से दोस्तों इस सारे पानी जो है इसको ड्राई कर लेंगे। यहां पर इसको अभी ऐसे ही 24 आवर्स के लिए हम छोड़ देंगे और 24 आवर्स के बाद आपसे मिलेंगे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के साथ। एक दिन के करीब बीत चुका है साइन एक्सप्रो सेरामिक गार्ड सेरामिक स्प्रे कोटिंग को लगाए हुए।
अभी सिरेमिक कोटिंग का हम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के लिए सिरेमिक कोटेड सरफेस को हम कार शैम्पू से कॉन्टैक्ट वॉश करेंगे। कॉन्टैक्ट वॉश करने से पहले थोड़ा सा पानी से रिंस करके देखते हैं। दोस्तों यहां पर इंस्टेंटली पानी स्प्रे करने पर जो हाइड्रोफोबिसिटी मिला था 24 आवर्स बीतने के बाद हाइड्रोफोबिसिटी का क्वालिटी और भी इंक्रीज हुआ है। कॉन्टैक्ट वॉश करने के लिए यहां पर हम यूज करेंगे पीएच न्यूट्रल कार शैम्पू और माइक्रोफाइबर वॉशमीट का। तो यहां पर हमारे पास साइनेक्स प्रो ब्रांड का ही बबल वॉश स्नो फोम शैम्पू है, लेकिन शैम्पू चाहे कोई भी हो बस पीएच न्यूट्रल होना जरूरी है। दोस्तों पानी ऐसे गायब हुआ जैसे पानी यहां पर लगा ही नहीं था, जबकि इस साइड को और इस साइड को दोनों साइड को ही देख सकते हैं, यहां पर पानी अभी भी लगा है लेकिन यहां पर पानी फटक से रिफिल हो गया। ये वाला तीनों पोर्शन ही दोस्तों स्लोप है, मतलब ढलान है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाला सरफेस पे पानी कितना जल्दी रिफिल हुआ है और इन दोनों सरफेस पर अभी भी पानी है, देख सकते हैं। अभी करेंगे सेकेंड कॉन्टैक्ट वॉश। दोस्तों यहाँ पर इस सरफेस को देख लीजिए और इस सरफेस को देख लीजिए, अभी भी पानी यहाँ पर है जबकि यहाँ पर पानी फटक से चला गया नीचे की तरफ। ये सिरेमिक कोटिंग कितने दिन तक लास्ट करता है या फिर मैक्सिमम कितना वॉश तक लास्ट करेगा वो वाला चीज़ वीडियो में अभी दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना कॉन्टैक्ट वॉश करने से ही मैं खुद थक चुका हूँ बहुत, और इससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट वॉश करके दिखाया तो आप भी बोर होंगे और बेकार में मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन इतना बार कॉन्टैक्ट वॉश करने के साथ शैम्पू वॉश इस सिरेमिक कोटेड सरफेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं ला पाया, उससे डेफिनेटली हम बोल सकते हैं इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा ही होगा। और बाकी आप खुद यूज़ करके देखिए तो इसका ड्यूरेबिलिटी और कितना लॉन्ग लास्टिंग है आपको पता चल जाएगा क्लियरली। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।